सो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज अजय एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करो उसको नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो गाइस, हम आज बात करने वाले हैं आपकी आईटीबीपी कांस्टेबल टेलीकॉम की कि इसकी सेकंड लिस्ट आएगी, सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी। गाइस, तो सबसे पहले दोस्तों आपको यह बता दूं, ये जो टॉपिक दोस्तों होने वाला है ये सिर्फ टेलीकॉम के लिए नहीं होने वाला, ये होने वाला है ट्रेड्समैन के लिए, टेलीकॉम के लिए, ड्राइवर के लिए, एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए, हेड कांस्टेबल एजुकेशन काउंसिल के लिए और जो भी कोई भी इन्होंने जो पोस्ट निकाले उन सभी के लिए दोस्तों। उन सभी को मैं एक टॉपिक को एक इकट्ठा करके दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इसमें टेलीकॉम या फिर किसी जो भी आपको मैं बता रहा हूँ इनमें जो वेटिंग लिस्ट आती है कि नहीं आती। तो गाइस, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये कह दूँ कि इन वेटिंग लिस्ट, गाइस वेटिंग लिस्ट आने के चांसेस तब होते हैं जब कुछ वैकेंसी रिजर्व रखी हों, ठीक है। कुछ वैकेंसी जब रिजर्व रखी हों गाइस, जैसे कि आपको पता है टेलीकॉम में वैकेंसी रिजर्व रखी है तो इसमें चांसेस बनते हैं कि आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, ठीक है गाइस। सेकंड वेटिंग लिस्ट इसमें आएगी, जो रिजल्ट इसमें शो हो रहा है, जिन बच्चों के रोल नंबर शो हो रहे हैं उनको तो मेरी तरफ से बहुत 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 बधाई। वो तो 90% to 91% वो तो क्वालिफाइड हैं, उनके तो जॉब पक्की है, लेकिन अभी बात होती है सेकंड मेरिट लिस्ट की। तो गाइस, सेकंड मेरिट लिस्ट आ सकती है लेकिन दोस्तों चांसेस कम हैं। चांसेस कम इसलिए हैं गाइस क्योंकि वैकेंसी तो अभी वैकेंट है, पीछे बैकलॉग तो है, 88 वैकेंसी की बैकलॉग तो है, लेकिन अब इन पे डिपेंड करता है कि इन्होंने वो वेटिंग लिस्ट को भरना है कि अलग कि नए सिरे से भर्ती निकालनी है टेलीकॉम की। गाइस, वो जो नए सिरे से भर्ती भी निकाल सकते हैं टेलीकॉम की 88 वैकेंसी में, और वो वेटिंग लिस्ट भी जारी कर सकते हैं, सेकंड वेटिंग लिस्ट भी जारी कर सकते हैं। डिपेंड इनके ऊपर करता है कि वो वेटिंग लिस्ट निकालेंगे कि नई वैकेंसी निकालेंगे टेलीकॉम की, उसमें ऐड करेंगे 88 वैकेंसीज को, वो डिपेंड इनके ऊपर करता है गाइस। और हम बात करें ट्रेड्समैन की या और किसी अन्य ट्रेड की, वो सभी में एक ही फॉर्मूला यूज होता है गाइस। और एक और बात दोस्तों आपसे मैं बताना चाहूंगा कि क्या इन एग्जामिनेशंस में आपका नॉर्मलाइजेशन होती है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन उन एग्जाम्स में होती है जो कि एग्जाम्स पालियों में बांटा हो, जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, जो एग्जाम शिफ्ट में चलता हो, ठीक है। दो से ज़्यादा शिफ्टों में एग्जाम जो चलते हों उनको नॉर्मलाइजेशन के ऊपर प्रक्रिया का यूज़ किया जाता है। गाइस, आपको तो पता है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया क्या है, जो हार्ड शिफ्ट होती है उनको फ़ायदा कम मिलता है, जिनका हार्ड शिफ्ट होती है उनको फ़ायदा ज़्यादा मिलता है, और जिनकी इजी शिफ्ट होती है, इजी टू मॉडरेट शिफ्ट होती है, उनको फ़ायदा थोड़ा सा कम मिलता है। तो गाइस, नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर भी कम हो जाते हैं और किसी के नंबर नहीं भी कम होते हैं, लेकिन फ़ायदा उनको कम मिलता है, और जिनके हार्ड शिफ्ट होती है उनको काफ़ी फ़ायदा मिलता है, उनके नंबर कम से कम भी मैक्सिमम गाइस 20 से 25 नंबर तक बढ़ जाते हैं। तो हम दोस्तों यही बात करना चाहूँगा कि अब मैंने दो टॉपिक मैं आपको कवर करवा दिए हैं कि क्या वेटिंग लिस्ट आएगी और सेकंड क्या नॉर्मलाइजेशन इस पे होता है किसी भी भर्ती के रिगार्डिंग गाइस, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको मेरे दोनों टॉपिक दोस्तों अच्छे से कवर हो गए होंगे। एंड गाइस, थर्ड बात मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा गाइस, जो बच्चे डाउट कर रहे हैं गाइस। ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर मुझे बहुत समय से कह रहे थे कि सर के सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, तो देखिए चांसेस कम है आने के, लेकिन ऐसा नहीं हम कह सकते कि नहीं आएगी, वो डिपेंड उनके ऊपर करता है कि वो वेटिंग लिस्ट बनाएंगे कि वो नए सिरे से भर्ती निकालेंगे जो बैकलॉग बची है वैकेंसी 88 वैकेंसीज के बैकलॉग बची हुई है, क्या उसकी वो न्यू वैकेंसी में ऐड करेंगे या फिर वो वेटिंग लिस्ट में निकालेंगे। और ठीक है गाइज, आपने एसएससी जीडी में तो देख लिया अगर जो रिजल्ट आ रखा है दोस्तों, बिल्कुल नॉट एज जो हमने सोचा था वैसा नहीं निकला रिजल्ट गाइज, ठीक है। तो जैसे कि उन्होंने कहा था कि 1:10 की इसमें निकालेंगे हम बच्चों को, क्वालिफाई करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, लेकिन गाइज ऐसा नहीं हुआ है अभी भी दोस्तों। जैसे कि अगर वैकेंसी 1:10 का मतलब ये है कि अगर 100 वैकेंसी है तो 1000 बच्चों को बुलाएंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक आई थिंक सो गाइस 54,000 या 55,000 बच्चों को अभी भी खाली रखा हुआ, अभी भी नहीं। और कुछ तो मेरे सामने ऐसे केस आए हैं कि मेरे सब्सक्राइबर मुझे कह रहे थे कि सर मेरा फ्रेंड है, मेरी कास्ट का है, मेरी सेम कास्ट का, मेरी स्टेट का है, उसके नंबर मुझसे कम है, वो सिलेक्ट हो गया, मैं क्यों नहीं हुआ सर, मेरे नंबर उससे ज़्यादा थे। तो गाइस, मैं आपको यह बता दूं, हो सकता है उन्होंने अपना कुछ कास्ट वगैरह चेंज करवा दिया हो जब आपका फॉर्म भर रहे थे, या और कोई इसके अलावा दिक्कत हो सकती है। तो गाइस, ये आपसे मैं डाउट क्लियर करना चाहूँगा और आशा करता हूँ आपको मेरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही लगेगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।